Hey everyone, welcome और welcome back to my channel. वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग है. तो फाइनली दो बस और दो ट्रेन चेंज करने के बाद मैं खड़ी हूँ अपनी फाइनल ट्रेन के लिए, जो कि थोड़ी देर में स्टार्ट होगी और हमें लेकर जाएगी स्प्री वर्ल्ड. तो वो एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा विलेज है जो कि बर्लिन से अराउंड 2 आवर्स टोटल लग जाएंगे हमें पहुंचने के लिए. और वहां पर पहुंच के मैं आपको दिखाती हूं कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है. मैंने भी अभी तक सिर्फ फ़ोटो और वीडियोस में ही देखा है. आज मैं डिस्कवर करूंगी कि कैसा है मौसम. 12 बजे तक प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी और सुबह से ही बारिश हो रही है. 12 बजे के बाद मौसम अच्छा हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी वो ब्यूटीफुल सा विलेज. तो चलो अब वेट करते हैं इस ट्रेन के दरवाज़ा ओपन होने का, बिकॉज यहाँ काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं. तो लेट्स गो. कैनल तक जाने का सबसे इजी वे जो होगा वो आप अपने गूगल मैप में कोई भी एक बोट रेंटल सर्च करके उसके डायरेक्शंस फॉलो करके चले जाओ. किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे कैनल पे पहुंचोगे. ट्रेन से उतरने के बाद ये पेंटिंग्स देखकर ही पता चल जाता है कि हमें किस तरफ जाना है. और स्टेशन से बाहर निकलकर देखने को मिलता है ये क्यूट सा विलेज. बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था. चारों तरफ सुंदर सुंदर घर और पेड़ और बहुत ही कम लोग थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. अराउंड 15-20 मिनट्स की वॉक है कैनल तक के लिए. और रास्ते में मुझे दिखा ये ड्रीमी सा हाउस, इतना ज़्यादा सुंदर था ये. अब हम फाइनली पहुंच गए हैं स्प्रीवल. यहाँ पर अगर आप चाहें तो पहले से बुकिंग करा कर आ सकते हैं, या यहाँ पर आकर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और फिर हमें जो बोट्स हैं वो मिल जाएंगे. तो हम ये वाला बोट लेने वाले हैं और 2 आवर्स का 18 यूरो 20 और ऐसे प्राइसेस हैं यहाँ पर. और उसके बाद वो हमें अभी समझा रहे हैं कैसे जाना है और पूरा मैप देंगे. और या लेट्स सी, इट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. लेट्स गो. आई हैव विलेज लीडर. ओके यस, आई डू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस ओके. You start on this point, you're driving 200 meters this way, okay. And coming to the bridge, behind the bridge, driving right. Okay. Little island, you're driving right side. Mm-hmm. Your next cross straight this way. The okay. Name is Burger, please. Okay. This is the first lock. You're going outside from the boat. Okay. Slip the boat over Royals, another side. Okay. Yes. Going inside in the boat, and then driving this way. And coming across, you're driving right. This is the next lock. Going outside, taking boat another side, or a man making for you open and close. Okay. And driving. हमने ले ली है अपनी कनू और हम निकल गए हैं इस beautiful से adventure के लिए. काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज़ हमें ये मैप दिया है और इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. तो लेट्स सी कि हम कहाँ कैसे पहुँचते हैं. Oh, this is nice. We'll do this. Okay, now he'll close the back door and then lift the water up. We'll go up. Okay. And then he'll close the open the door. This is how the water comes in. Oh, sorry. Now? We are going up. We're gonna go up? Yeah, we are already going up. Yeah. And now he'll open the door. मैप ना फॉलो करने की वजह से हम भटकते रहे पूरे 4 घंटे तक. और इन इस चक्कर में एज यूजुअल व्लॉगिंग करना ही भूल गई. लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था. इतनी शांति थी नेचर के बीच में कि व्लॉगिंग और बाकी सारे टेंशन को भूलकर हमने सिर्फ 4 घंटे तक कयाकिंग की.
और ये कैनल भी ज़्यादा गहरा नहीं है और हर जगह लोग नज़र आते ही रहते हैं, तो डर भी नहीं लगता। ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग पीसफुल सा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया और मैं डेफिनेटली यहाँ वापस ज़रूर आऊँगी। तो बस ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस स्प्री वर्ल्ड का। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक बाय।